नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसजी पैरामेडिकल क्लासेस में। हम जानते हैं कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के बारे में कि उसमें सारी चीज़ें मैनुअली करनी पड़ती थी, डार्क रूम की रिक्वायरमेंट होती थी। उन सबको ओवरकम करने के लिए हमने कंप्यूटर रेडियोग्राफी पढ़ा। कंप्यूटर रेडियोग्राफी में हम पीएसपी कैसेट की हेल्प से इमेज को डायरेक्ट कैप्चर कर पा रहे थे। अब ये कैसेट को भी ले जाना और लाना, इसकी प्रॉब्लम को हटाने के लिए डिजिटल रेडियोग्राफी आई, मतलब इसका एक एडवांस टेक्नोलॉजी आई। उसमें हम डायरेक्ट इमेज को कैप्चर कर लेते हैं विदाउट कैसेट की हेल्प से, और ना ही कोई डार्क रूम की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम डिजिटल रेडियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। डिजिटल रेडियोग्राफी जो है वो बीआरटी और डीआरटी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। डिजिटल रेडियोग्राफी इज़ ए फॉर्म ऑफ रेडियोग्राफी that uses extra sensitive plate to direct capture data during the patient examination। डिजिटल रेडियोग्राफी एक तरीके की रेडियोग्राफी है जिसमें एक्सरे सेंसिटिव प्लेट का यूज़ लेते हैं हम, और वो डायरेक्ट कैप्चर कर लेती है इमेज को ड्यूरिंग पेशेंट एग्जामिनेशन के टाइम पे, और इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर देती है उस इमेज को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर विदाउट किसी कैसेट का यूज़ लिए बिना। कोई भी कैसेट यूज़ नहीं लेते। तो डिजिटल रेडियोग्राफी क्या कर रही है, इमेज को डायरेक्ट कैप्चर कर रही है कैसेट के यूज़ लिए बिना, सीधा कंप्यूटर सिस्टम में भेज दिए विदिन 15 सेकेंड के अंदर अंदर। ये बहुत मोस्ट रिसेंट एडवांस टेक्नोलॉजी है रेडियोग्राफी की। किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है वो देखते हैं। एक्सरे सिग्नल कैन बी डिजिटलाइज बाय यूजिंग डिटेक्टर। हम एक्सरे सिग्नल को डिजिटलाइज कर सकते हैं डिटेक्टर का यूज़ करके। फर्स्टली एक्सरे फॉल्स ऑन द डिटेक्टर विच कन्वर्ट एक्सरे सिग्नल इंटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। सबसे पहले एक्सरे डिटेक्टर पे आके गिरता है और वहाँ पे एक्सरे कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अंदर, और वही इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल किस पे जाके गिरता है, टीएफटी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर या फिर चार्ज कपल डिवाइस के ऊपर। वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट होता है। तो एक बार डायग्रामेटिक देख लेते हैं हम कि कोई भी एक्सरे आई, एक्सरे आके किस पे गिरी, सबसे पहले डिटेक्टर के ऊपर गिरी। डिटेक्टर ने क्या किया, उस एक्सरे को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल किस पे आके गिरेगी, या तो टीएफटी के ऊपर या फिर सीसीडी के ऊपर, चार्ज कपल डिवाइस के ऊपर। ये करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट। यहाँ पे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद कंप्यूटर पर भेज देते हैं और वहाँ पर इमेज बना देते हैं। फिर दे आर क्लासीफाइड इंटू द टू मेन कैटेगरीज। दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इसको, एक इनडायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम और एक डायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम। इनडायरेक्ट डिटेक्शन फ्लैट पैनल सिस्टम क्या होता है वो हम देखते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, सिंटिलेशन फॉस्फोर होता है, अमॉर्फस सिलिकॉन होता है, फोटोडायोड होता है और फ्लैट टीएफटी एरे होती है। तो एक्सरे आएगी, सबसे पहले एक्सरे आके किस पे गिरेगी, सिंटिलेशन फॉस्फोर के ऊपर। सिंटिलेशन फॉस्फोर का क्या काम होता है, सिंटिलेशन फॉस्फोर एक्सरे को कन्वर्ट कर देता है लाइट के अंदर। लाइट में कन्वर्ट होने के बाद वो फोटोडायोड पे गिरती है। फोटोडायोड काय का बना हुआ होता है, अमॉर्फस सिलिकॉन का बना हुआ होता है। फोटोडायोड का काम क्या होता है, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम होता है। तो यहाँ फोटोडायोड ने क्या किया, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट किया, और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टीएफटी एरे के ऊपर जाके गिरती है। टीएफटी एरे क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और वहीं पे आगे की फिर प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है वो डिजिटल सिग्नल। तो इसके एक बार देख लेते हैं हम। इन इनडायरेक्ट सिस्टम द एक्सरे आर कन्वर्टेड इनटू लाइट बाय ए सिंटिलेशन फॉस्फोर। जो एक्सरे हमने डाला था किसके ऊपर, सिंटिलेशन फॉस्फोर पे, वो सिंटिलेशन फॉस्फोर क्या कर रहा है, उस एक्सरे को कन्वर्ट कर रहा है लाइट सिग्नल के अंदर। अब ये लाइट किस पे आके गिरेगी, लाइट को कन्वर्ट कौन करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, अमॉर्फस सिलिकॉन फोटोडायोड। अमॉर्फस सिलिकॉन फोटोडायोड का क्या काम होता है, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल किस पे जाके गिरने वाली है, टीएफटी के ऊपर। टीएफटी पे गिरने के बाद वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगी, और डिजिटल सिग्नल किसके पास जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम के पास जाएगा, और वहीं पे इमेज विजुअलाइज हो जाएगी। तो हमने देखा भी एक्सरे आई, एक्सरे किस पे गिरी, सिंटिलेशन फॉस्फोर पे। सिंटिलेशन फॉस्फोर ने लाइट पे, लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया। लाइट किस पे आके गिरेगी, फोटोडायोड पे। फोटोडायोड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट किया, और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टीएफटी एरे पे आके गिरेगा, और टीएफटी के बाद डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होके कंप्यूटर सिस्टम पे आ जाएगी, इमेज विजुलाइज हो जाएगी। इनडायरेक्ट के अंदर दो तरीके से होता है ये, एक या तो हम इसमें TFT का यूज़ ले या फिर CCD का यूज़ ले, या तो TFT का यूज़ ले सकते हैं या फिर CCD का यूज़ ले सकते हैं। TFT अगर यूज़ ले रहे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बनता है और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से डिजिटल सिग्नल बनता है, और CCD में हम डायरेक्ट ही डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं ये सिंटिलेशन फॉस्फोर काय का बना होता है। सिंटिलेशन फॉस्फोर जो है सीजियम आयोडाइड, और एक्टिवेटर इसमें कौन होता है, थैलेनियम। तो थैलेनियम को डॉप किया जाता है सीजियम आयोडाइड के अंदर, या फिर गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड डॉप किया जाता है टर्बियम को गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड के अंदर। ये एक्टिवेटर का काम करता है यहाँ पे। ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कंप्यूटर रेडियोग्राफी में, उसमें एक्टिवेटर का काम कौन कर रहा था, यूरोपियम। वैसे ही अब बात करते हैं फोटोडायोड। फोटोडायोड काय का बना हुआ होता है, फोटोडायोड बना होता है अमॉर्फस सिलिकॉन का बना हुआ होता है फोटोडायोड। अब देखते हैं हम टीएफटी की जगह सीसीडी का यूज ले रहे हैं। अगर सीसीडी का यूज लेते हैं तो क्या होता है, इन सीसीडी इज यूज्ड हैज डिजिटलाइजर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, देन सीसीडी विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू सिंटिलेशन क्रिस्टल। अब सीसीडी डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, सिंटिलेशन क्रिस्टल से कनेक्टेड है, तो मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं बनेगा, डायरेक्ट लाइट सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे टीएफटी की रिक्वायरमेंट नहीं है और फोटोडायोड की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फोटोडायोड क्या कर रहा था, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट सिग्नल डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, सीसीडी के थ्रू डिजिटल सिग्नल के अंदर, और डिजिटल सिग्नल के थ्रू फिर कंप्यूटर सिस्टम में जाएगा, और कंप्यूटर सिस्टम में जाने के बाद सारी वो इमेज वहाँ पर विजुलाइज हो जाएगी। तो ये इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी यहीं पर फिनिश होती है। हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी, डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।